हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं आप लोगों को 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो ये 25 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला है, रंजक को परिभाषित कीजिए, रंजकों का वर्गीकरण उदाहरण सहित दीजिए। डिफाइन डाइस, गिव ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो गाइज, ये जो डाइस है, मतलब जो रंजक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे गए हैं। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो डाइस है वो कैसे बनते हैं, इसे बनाने की विधि। तो ये डाइस से रिलेटेड सारी चीजों को की तैयारी आप लोगों को करना है गाइज। देन सेकेंड है, संघनन बहुलकीकरण की क्रियाविधि लिखिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये जो संघनन बहुलकीकरण है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि लिखी। ये सारे एक ही यूनिट के क्वेश्चन है, यूनिट आई थिंक यूनिट 4 है। योगात्मक बहुलकीकरण की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन एडिशन पॉलीमराइजेशन, गिव इट्स मैकेनिज्म। और गाइस, कभी कभी ये जो संघनन बहुलकीकरण है और योगात्मक बहुलकीकरण है, उसमें जो है वो डिफरेंस बिटवीन आया हुआ है, तो ये दोनों का जो मैकेनिज्म है और दोनों रिएक्शन को आप लोगों को अच्छे से जो है वो देख लेना है। देन इसी यूनिट से और भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, क्रोमोफोर और ऑक्सो क्रोम जो है वो किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देन है, पॉलीमर क्या है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। व्हाट आर पॉलीमर्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। उसके बाद इसी यूनिट से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रंग एवं संघटन पर निबंध लिखे, राइट एन एसे ऑन कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। उसके अलावा इसमें जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, मीन जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दो नंबर के लिए, टिप्पणी लिखो करके आता है, ब्यूना रबर, प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, सांश्लेषिक रबर, सिंथेटिक रबर, वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे एक दो नंबर के लिए आते हैं, तो इसकी तैयारी भी आप जरूर करें। उसके बाद गाइज, अगर हम अगले यूनिट की बात करें, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला यूनिट की अगर हम बात करें, तो इसमें जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गाइज, ये जो इसका नोट्स है, मैंने काफी इजी नोट्स इसके लिए बनाया हुआ है। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाकर के आपको ये नोट्स जो है वो मिल जाएंगे गाइज। इसके अलावा इस यूनिट से जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 13C, एनएमआर, टीएमएस, पीएमआर, युग्मन स्थिरांक मतलब कॉपलिंग कंस्टेंट, नाभिकीय रक्षण एवं परिरक्षण, न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डिसशील्डिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग, ये सारे नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के। और ये जो टीएमएस और पीएमआर है, इससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि पीएमआर बनाते समय टीएमएस क्यों मिलाया जाए, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, ये सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो टीएमएस और पीएमआर से जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी भी आप जरूर करें। आगे 10वां नंबर में रासायनिक विस्थापन, इसी यूनिट का ही क्वेश्चन है, केमिकल शिफ्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनएमआर सिग्नल निकालिए, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका आप लोगों को जो है वो एनएमआर सिग्नल जो होता है वो निकालना पड़ेगा, पीएमआर सिग्नल भी जिसे कहा जाता है, तो ये सारे सिग्नल निकालना भी आप लोगों को आना चाहिए। इसके अलावा इसमें से हम नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले यूनिट की अगर हम बात करें, तो इसमें जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, हुक्स का नियम, हुक्स रूल, वुडवर्ड फाइजर नियम, इसमें लैम्डा मैक्स का मान निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए आता है, कोई भी आप लोगों को कंपाउंड दे दिया जाएगा, लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकालना होगा, तो ये चीज की तैयारी भी आप लोग जरूर करें। वुडवर्ड फाइजर रूल, फिंगरप्रिंट क्षेत्र जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट क्षेत्र, इसका भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है। इसके अलावा वर्णोत्कर्षी तथा वर्णापकर्षी विस्थापन, बाथोक्रोनिक एंड हिस्पोक्रोमिक शिफ्ट, ये भी क्वेश्चन जो है वो काफी पूछा गया है। इसके अलावा न्यूजॉल, पिछले 2018-2019 से कंटिन्यू क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, न्यूजॉल क्या है, तो इसे भी आप थोड़ा देख लें। इसके अलावा गाइज, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इम्पोर्टेंट है ही, इसे तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। अगर आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो बीएल लैम्बर्ट का नियम भी मत छोड़िएगा, ये भी। उसके बाद हम देखते हैं आईआर स्पेक्ट्रा का रेंज क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन की व्याख्या कीजिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेन फिंगरप्रिंट रीजन। इस यूनिट का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आईआर स्पेक्ट्रा का रेंज, इसकी तैयारी आप लोग जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो मे भी इस साल आ जाए।
तो ये क्वेश्चन की तैयारी भी आप लोग जरूर करें। आगे अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप मत छोड़िए। प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट आर प्रोटीन्स, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, एक्सप्लेन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें इस यूनिट से, तो किलियानी फिशर संश्लेषण, क्योंकि गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे रिएक्शन होते हैं कि कौन सा रिएक्शन एग्जाम में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, बट फिर भी मैं यहाँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो बता रही हूँ। एपीमरीकरण, एपीमेराइजेशन, परिवर्ती ध्रुवन, घूर्णन, म्यूटा रोटेशन, थ्रियो एंड इथ्रियो, डाइस्टेरियो मर्स, उभयविष्ट आयन, ज्विटर आयन, इंड ग्रुप एनालिसिस, अत्यन समूह विश्लेषण। ये सारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में काफी बार रिपीट हुए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं गाइस, तो इसकी तैयारी भी आप जरूर करें। 19 नंबर में ग्लूकोज के ओसाजोन बनाने की विधि, ये भी क्वेश्चन जो है वो काफी रिपीट हुए हैं। देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन कीजिए, कार्बोहाइड्रेट का जो भी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, वो सारी चीजों को आप लोगों को देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसका उपयोग क्या है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते ही है। और शॉर्ट टाइम क्वेश्चन की अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिजेंट से, तो इसमें भी इसे कैसे बनते हैं, इसमें कुछ कुछ रिएक्शन जो है वो पूछते हैं, तो गाइस ग्रिग्नार्ड रिजेंट को आप लोग मत छोड़िएगा। देन अगर आगे हम बात करें कार्ब जिंक यौगिक, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ये भी इसी यूनिट का ही क्वेश्चन है, इसमें से इस टॉपिक से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कार्ब जिंक कंपाउंड, क्लेजन संघनन, क्लेजन कंडेंसेशन क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वन से अगर हम बात करें तो कार्ब लिथियम ऑर्गेनोलिथियम नोवेन जल अभिक्रिया, नोवेन जल रिएक्शन, ये सारे क्वेश्चन है गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आई होप यू आप लोगों के लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मैं तो यही चाहती हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आए, क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके ना पूछे जाए एग्जाम में, ताकि आप लोग आसानी से पास हो जाओ और काफी अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ जाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।